أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आपका दिल आपकी रूह का मरकज है, ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा और उसकी निशानी है। ये जो आपके जिस्म में मुसलसल धड़कता है, आपको एहसास तक नहीं होता कि ये कितनी बड़ी नेमत है। इस दिल का एक रूहानी पहलू भी है, यही दिल है कि जो जिंदगी की तमाम तरगीबात और तमाम तर दुनियावी आसाइशात के लिए आसान शिकार साबित होता है। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर मशीन की हमें देखभाल की जरूरत महसूस होती है। मतलूबा मकासिद की हुसूल के लिए हमें उसके अंदर मुस्तकिल तौर पर मुनासिब ईंधन डालना पड़ता है। हमारा दिल भी कतन किसी ऐसी मशीन से मुख्तलिफ नहीं। हदीसे मुबारका में है, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा ऐसा है कि अगर ये ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, और अगर ये टुकड़ा खराब हो जाए तो सारा जिस्म ही खराब हो जाता है। आगाह रहिए कि गोश्त का वो टुकड़ा दिल है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप अपनी मताए हयात को दुनिया के खतरात से बचा के और हिफाजत से रखते हैं, आपका दिल भी कतन उससे मुख्तलिफ नहीं। बेज़रूर आपको अपना दिल भी कमजोर करने वाली बीमारियों से बचाने की जरूरत है। इसी तरह आपके मलबूसात गंदे हो जाएं तो हर दफा आप इन्हें धोने की जरूरत महसूस करते हैं। आपका दिल भी इससे मुख्तलिफ नहीं। इसे भी बीमार कर देने वाली रोजमर्रा की आलूदगी से साफ रखने की जरूरत है। जैसा कि आप अपने कंप्यूटर को जमाने के मुताबिक अपडेट रखने के लिए जदीद तरीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कंप्यूटर को नए सिरे से चालू करते हैं, आपका दिल भी इससे मुस्तस्ना नहीं। सो इस कीमती तरीन मशीन को अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना होने दें, और इस मशीन के लिए वाजिब सहूलियात फराहम करने में कोताही ना करें। दिल को इसी तमानियत की फिजा में रखिए जिसका ये तलबगार है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह की याद ही वो चीज है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जिक्र इलाही को अपने रोजाना मामूल का हिस्सा बनाइए। सदकात व खैरात से अपने दिल को नरम कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़िए। वो जो आपको याद करके रो दिए और जिन्होंने हमारे गायबाना ईमान लाने की तहसीन फरमाई थी। कुरान मजीद दिलों की दवा है, इसकी बकसरत तिलावत कीजिए। इसकी तालीमात को अपनी जिंदगी पर नाफिज कीजिए और आगाह रहिए, मौत एक नाकाबले तरदीद हकीकत है। अपनी अनमिट तकदीर पर ईमान रखिए और उसी राह पर चलिए जैसा आपको अपना अंजाम मतलूब है।